सब्सक्राइब करें एवियन फास्ट को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो इसमें हम सीखेंगे कि सिंगल एंट्री मोड टैली में कैसे ऑन किया जा सकता है। तो ये क्यों ऑन करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें याद नहीं रहता है कि किस चीज़ को क्रेडिट करना है, किस चीज़ को डेबिट करना है। तो अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहता तो आप सिंगल एंट्री मोड यूज़ कर सकते हैं टैली में, पेमेंट और रिसिप्ट की वाउचर में, और उसके अलावा जो अपना परचेज का वाउचर है उसमें भी जाके आप इनवॉइस मोड कर सकते हैं। तो इनवॉइस मोड से भी आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को डेबिट करना है या किस चीज़ को क्रेडिट करना है, वो आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ तक कि आपको क्रेडिट डेबिट सेलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो इस हिसाब से वाउचर बना है कि आप बड़े आसानी से वो काम कर पाएंगे। तो ये इसी चीज़ को दूर करने के लिए, जिनको क्रेडिट और डेबिट याद नहीं रहता किस चीज़ को करना होता है, तो आप इस तरीके से काम करें। तो शुरू में मुझे भी नहीं याद रहते थे, तो मैंने भी इसी प्रकार से शुरू किया था। सिंगल एंट्री मोड मैंने यूज़ किया था सॉफ्टवेयर में, तो जिस वजह से मुझे अब क्या है, मुझे सारा कुछ याद हो चुका है किस चीज़ को डेबिट करना पड़ता है और किस चीज़ को क्रेडिट करना पड़ता है। तो आप शुरू में इस तरह काम कीजिए, और उसके अलावा जब आप एंट्री डाल लेंगे तो आप जाके हर लेजर में जाके उसको चेक कीजिए कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो एंट्री क्या हो रही है। तो वो चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एंट्री क्रेडिट करना होता है, ये एंट्री डेबिट करना होता है। जैसे आपने कोई सेल की एंट्री डाल दी, सेल बिल बना दिया, तो आप सेल लेजर में जाइए और देखिए कि सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो वो देखेंगे कि सेल हो जो है वो क्रेडिट हुआ होगा। तो परचेज की एंट्री डालिए, परचेज की एंट्री डालने के बाद फिर आप लेजर में जाके देखिए परचेज डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो परचेज की एंट्री है वो डेबिट है, और उसके अलावा परचेज के साथ जो हम CGST SGST टैक्स लगाए होते हैं उसको भी जाके लेजर में देखिए कि वो क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। तो आपको वो क्या दिखेगा, डेबिट दिखेगा। परचेज पे जो टैक्स लगा होगा वो आपको उनके लेजर अकाउंट में डेबिट दिखेंगे। उसी प्रकार अगर सेल में CGST SGST या IGST लगा होगा तो उसको भी लेजर में जाके चेक कीजिए, तो आपको दिखेगा कि वो क्रेडिट हुए होंगे। तो इस प्रकार से काम कीजिए। जैसे आपने कोई पेमेंट वाउचर में से कोई पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, किसी को पैसे दे दिए, जैसे कोई सफाई कर्मी को दे दिया, सफाई का खर्चा दे दिया, ठीक है ना, या किसी जो गेटमैन होते हैं उसको दे दिया, या चौकीदार को कोई पेमेंट कर दी, तो आप देखेंगे कि उसको देखिए पेमेंट की वाउचर एंट्री डालने के बाद, जैसे मिसलेनियस का खर्चा हमने सिलेक्ट कर लिया, या गेट रिपेयर का कोई अकाउंट बना हुआ है हमारा, तो पेमेंट वाउचर पे पहले हमने कैश सिलेक्ट किया, फिर नीचे किसको पेमेंट कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे गेट रिपेयर का कोई हेड बना है तो एंट्री डाल दीजिए, उसको जाके फिर गेट रिपेयर हेड अकाउंट में देखिए, तो वो जो गेट रिपेयर है वो आपका डेबिट हुआ होगा और कैश क्रेडिट हो चुका होगा। तो चलिए यही चीज़ अब करते हैं इसमें टैली में। तो ये करने से आपका जो क्रेडिट डेबिट का जो कन्फ्यूज़न है ना वो दूर हो जाएगा, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप 100% अकाउंट सीख जाएंगे, इस प्रकार चलेंगे। हाँ, पर ये जरूर है आपने हर अकाउंट को, हर लेजर अकाउंट को चेक करना है एंट्री डालने के बाद, जब तक आपको याद नहीं रह जाते कि एंट्री क्रेडिट होना है या डेबिट होना है। ये प्रैक्टिस करते रहना है, इससे एक तो आपका काम चल गया, आप काम करने लायक बन जाएंगे, दूसरा आपकी खुद की भी प्रैक्टिस होती जाएगी डेबिट क्रेडिट की सारी। तो लोग बोलते हैं ना कि बस इसे टैली चलाना आता, इसे तो पता ही नहीं है क्रेडिट क्या होगा डेबिट क्या होगा। तो उस चीज़ को उनको गलत साबित करने के लिए और अपने आप को काबिल करने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, पेमेंट वाउचर में दिखा देता हूँ। जैसे गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स इसमें आ गए, तो आप ये देख सकते हैं पेमेंट पे ये डेबिट खड़ा है। जैसे अब यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है ना, 100 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है और
खर्चा हो रहा है, खर्चा जो होता है एक्सपेंसेस वो डेबिट होता है, तो 100 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं, नरेशन कॉस्ट ऑफ गेट रिपेयर वगैरह जो भी, और इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। अब देखिए स्केप किया, फिर लेजर अकाउंट में चलेंगे, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में, लेजर में, और MIS मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंटर किए। तो ये देखिए अब ये 100 रुपीज़ की हमने एंट्री डाली ना, ये 100 रुपये ये देखिए यहाँ पे डेबिट हो चुका है खर्चे पे, ये खर्चा है। पर स्केप करेंगे, कैश एंटर किया, जो ये देखिए 2-10 में हमने एंट्री की है कैश की, ये हमारा क्रेडिट हो चुका है, ये हो गया। अब स्केप करते हैं, 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा था, अब क्या करना है वाउचर पे, आपने क्या करना है यहाँ पर F12 दबाना है, पेमेंट पे जब आ गया वाउचर पे F12 दबाना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी आपको, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, एंटर करेंगे इसको, यस कर देना। अगर आपका पहले से ही आपका सिंगल एंट्री मोड खुल रहा है तो आप इसको यहाँ पर अगर नो कर देंगे तो डबल एंट्री मोड खुल जाएगा, जिस प्रकार मेरा अभी खुल रहा था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसको यस करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये अकाउंट यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा वाउचर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे कैश होगा और यहाँ पे मिसलेनियस ये भी 30 रुपये डाल देते हैं, और यहाँ पर नरेशन जो भी खर्चे का होगा इसको करके सेव कर लीजिए। अब देखिए स्केप, DAL लिखेंगे, DAL, D से डिस्प्ले, A से अकाउंट्स हो गए, और उसके बाद L से लेजर्स में आ गए। तो DAL लिखने के बाद यहाँ से आपने लिस्ट ऑफ लेजर में से वही अपना मिसलेनियस लिखना एंटर किया, तो ये देखिए 30 रुपये हमारा जो खर्चा है वो यहाँ पे डेबिट हो गया है। और स्केप करेंगे, CASH कैश लिखेंगे, तो ये यहाँ पे देख सकते 30 रुपये हमारा क्रेडिट हो चुका है, ये क्रेडिट के नीचे है ना, क्रेडिट हो गया, ये हो गया। देखिए वही जाके गेटवे ऑफ टैली से यहाँ से ट्रांजेक्शन में वाउचर वी दबाया तो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार आ रहा है ना, अब इसको F12 करेंगे और एंटर करके यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, इसको नो कर देंगे और एंटर करते हुए इसको सेव कीजिए। अब क्या होगा, तो ये देखिए डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही ऑप्शन आ गई ना, तो इसको क्या करना है F12 करके आपने इसको यस कर देना है और इसको सेव कर लेना है। चलो ये आपको मैंने बिल्कुल अच्छी तरह सिखा दिया है, अब नहीं भूलेंगे जिंदगी भर तक, ये हो गया। अब जैसे इसी में अकाउंटिंग वाउचर में गेटवे ऑफ टैली से एंटर किया, अब क्या करें F6 दबाएंगे, तो F6 में भी F12 करेंगे, तो ये सिंगल यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, ये तीनों के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यस किया हुआ है, इसलिए ये इसी प्रकार आ गया कि अगर पेमेंट या रिसिप्ट में किसी में भी यस करेंगे तो ये इस प्रकार ही बन के आ जाएगा। तो अब F2 करके हम लिखते हैं 2/11 एंटर कैश, ठीक है ना। रिसिप्ट क्या हो रहा है, मतलब कि क्या हमें रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर अकाउंट में हमने या तो हमें चेक रिसीव होगा, यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है ना, या कैश, तो यहाँ पर कैश अभी कर लेते हैं। तो मिसलेनियस इनकम 20 रुपये, ये मान लेते कोई हमने कोई रद्दी रुद्दी बेचा है कबाड़, तो इसको इस प्रकार से सेव कर लीजिए, ठीक है ना। पहले रिसिप्ट हो रहा है, तो क्या रिसिप्ट हो रहा है, कैश, कुछ बेच रहे हैं तो बेचने पे हमें वो कवाड़ी हमें कैश देगा ना, 20 रुपये कैश दिया, तो कैश हमारा 20 रुपये बढ़ जाएगा और जो हमारी इनकम है वो भी 20 रुपये की बढ़ जाएगी। अब इसको सेव किया, अब स्केप करके अब देखिए DAL किया, अब MIS मिसलेनियस इनकम, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, जो हमारी इनकम होती है ना वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये बात आप लिख लीजिए कहीं पे भी दिमाग पे ही लिख लीजिए चाहे। तो जो हमें तो पता नहीं था ना क्या होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, हमने तो एंट्री डाल दी, पर टैली ने हमारे हमें बता रहा है कि जो वो इनकम की एंट्री डाली है वो क्रेडिट हो गया है।
तो यहाँ पर 20 रुपये हमारा मिसलेनियस इनकम है क्रेडिट हो गया, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो था हमारा खर्चा खर्चा वो डेबिट हो गया। तो यहाँ से दो बात क्लियर हो गया है, एक इनकम क्रेडिट होगा और खर्चा जो है वो डेबिट होगा। उसी प्रकार आप उसमें देखिए, सेल हमारा क्रेडिट होगा, परचेज जो हमारा होगा कॉस्ट होता है, परचेज हमारा डेबिट होगा। ये चार अकाउंट आपके क्लियर करा दिए मैंने। स्केप, अब यहाँ पर CASH कैश लेजर है आपका कैश का, तो मिसलेनियस इनकम के द्वारा 20 रुपये का हमें फायदा हुआ है, 20 रुपये हमारे पास कैश बढ़ गया है, ठीक है ना। 560 रुपये पहले से था हमारे पास, तो 20 रुपये ये वाला और आया, और उसके बाद ये 580 रुपये का हमारे पास कैश है। तो सेम यही इफेक्ट आपका बैंक में भी पड़ेगा, यही वाउचर में गए तो यहाँ से रिसिप्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, अब बैंक है अपने पास, हाँ ये है बैंक खुला हुआ है, यहाँ से HDFC बैंक इसमें आ गया मिसलेनियस इनकम। तो जैसे 60 रुपये है, 60 रुपये की हमें इनकम हुई किसी प्रकार, ठीक है ना, कोई टूटा फूटा फर्नीचर बेच दिया, तो इस प्रकार यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं जिससे याद रह जाए कि आपको ये 60 रुपये किस वजह से हमें आया, वो आपको पता होना चाहिए। इसको सेव कर लिया। अब देखिए DALMISC मिसलेनियस इनकम, तो ये 60 रुपये का अब हमारे पास इनकम और बढ़ गया है, तो 300 रुपये की इनकम हमारे पास पहले से थी, और 60 और 20 80 रुपये, ये 80 रुपये करंट टोटल और जुड़ने के बाद 380 रुपये हमारे पास मिसलेनियस इनकम पड़ा है, हो गई है, ये हो गया। अब HDFC अकाउंट ये वाला सबसे पहले वाला, इसको देखिए, इसको F12 कीजिए, यहाँ पे कुछ क्लियर ना हो, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं पता चल रहा, ये वैसे क्रेडिट में खड़ा है, क्रेडिट साइड में है, तो अगर इससे भी आपको नहीं पता चलता इसको F12 कीजिए। उसके बाद एंटर एंटर करते हुए इसको शो रनिंग बैलेंस यस कर दीजिए। अब देखिए अब क्लियर होगा, तो ये देखिए जो 10,000 रुपये ना उल्टा हमने बैंक के पैसे देने थे, हमने ऋण उधार लिया होगा कुछ भी होगा, पर ये करंट अकाउंट है, ये कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर देखने से हमें पता चल जाता है क्रेडिट है बैंक के, तो पैसे हमने देने थे उल्टा, तो 10,000 रुपये में हमने 60 रुपये बैंक में जमा हो गया हमारा, तो 10,000 में से 60 रुपये देनदारी कम हो गई थी, तो 9,940 रुपये अब भी हमने बैंक के इतने पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर इनकम आई तो क्या हो गया, बैंक या कैश ने तो बढ़ना ही है उसके लेजर अकाउंट में, तो ये देखिए डेबिट यहाँ पर 60 रुपये लेजर में डेबिट हो गया है। बाकी अगर बैंक के पैसे देने हैं तो देने में से देनदारी में से 60 रुपये कम हो जाएगा, तो ये हो गया। अगर यही 10,000 इधर होता तो 10,000 रुपये अगर हमारा डेबिट होता है बैंक से लेने वाले होते, तो 10,000 में 60 रुपये जुड़ के 10,060 रुपये अपना बैलेंस आ जाता बैंक का। ये आपका क्लियर करा दिया है पेमेंट रिसिप्ट का। अब परचेज वाउचर में चलेंगे, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ये देखिए F9 परचेज ये वाला सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है परचेज, ये देखिए ये तो सारा इतना तो ठीक है पोर्शन, ठीक है ना, पर ये पार्टिकुलर के नीचे आप देखिए क्रेडिट डेबिट आ रहा है, और ठीक है ना, ये एंट्री कैसे डलती है, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी परचेज का बिल नंबर है वो डाल दिया, F2 से डेट वगैरह कर लीजिए, और ये परचेज किस प्रकार कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट या तो यहाँ पर पार्टी का होगा, ये पार्टी कर लेते हैं, या तो ये देखिए कैश या बैंक क्रेडिट होगा, अगर कुछ खरीद रहे हो तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा और कुछ कोई ना कोई एक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है नमन मोबाइल, ये सिलेक्ट कर लिया, एंटर करते हैं, यहाँ पर 100 रुपये इसको कर देते हैं, और
अब यहाँ पर परचेज अकाउंट होगा डेबिट, लिस्ट ऑफ लेजर में परचेज। तो इस प्रकार ये एंट्री डल जाती है, पर ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये क्रेडिट डेबिट, अब इसमें टैक्स भी करना है, ठीक है ना, परचेज में टैक्स भी, CGST, SGST या IGST भी लगाना है। उसके बाद अगर कोई फ्रेट का खर्चा है वो भी लगाना पड़ता है। तो इसको आसान करने का तरीका क्या है जिससे क्रेडिट डेबिट का उलझन ना रहे, तो स्केप करते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे, स्केप कर दिया। तो क्या करना है आपने, ये देखिए फीचर्स में चलिए, ये दिख रहा है इसमें, और अकाउंटिंग फीचर्स में चलिए। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड परचेजेस इन इनवॉइस मोड, अनेबल इनवॉइसिंग मोड, इसको यस कर दीजिए और इसको भी यस कर दीजिए, ठीक है। और इसको भी, ये देखिए डेबिट क्रेडिट, इसको भी यस कर दीजिए, यस यस, और इसको सेव कर लीजिए। ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए था, नहीं तो उस पर भी वही आ जाता, फिर क्रेडिट डेबिट वगैरह आ जाता। अब देखिए, अब फिर वही गेट पे ऑफ टैली से वाउचर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए एज इनवॉइस ऑप्शन आ चुकी है, पहले ये ऑप्शन नहीं थी। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आ चुका है। अब आसान है ना, अब देखिए बिल नंबर 200 F2 करके डेट वगैरह जो भी है, खरीदा नमन से, चाहे कैश बिल कर सकते हैं, पर ये हम इसकी मान लेते हैं नमन मोबाइल से। क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा एक 5000 का, फिर एंटर करते हुए हाँ यहाँ से CGST SGST लगा के इसको सेव कर लीजिए, ये हो गया। ये इस प्रकार से ये आ रहा है, ये यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से हम फिर अगर अंदर जाएंगे तो ये देखिए इस प्रकार आपका आ रहा है ना। अगर इसको आपने फिर हटाना है, स्किप करके बाहर आ जाएंगे, चाहे वहीं से भी ये फीचर्स में जा सकते हैं, कंपनी फीचर्स में यही अकाउंटिंग फीचर्स, अब फिर वो हटाना है। तो यही एनेबल इनवॉइस मोड में इसको नो कर दीजिए, और इसको भी आप ये देखिए रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड जो हमने अभी खोला था ना, रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, जिसमें क्रेडिट डेबिट नहीं सिलेक्ट करना होता है, वो इनवॉइस मोड होता है। तो ये क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में हम ऐसे रहने देते हैं, इसको नो नो करके एंटर करते हुए सेव कर लीजिए। अब फिर इस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका है यही। अब फिर वाउचर्स में जाएंगे वी दबा के, तो ये देखिए अब फिर वही आ गया ना, क्रेडिट फिर डेबिट सेलेक्ट करो, ठीक है। ये देखिए परचेज नगद खरीदा कुछ, तो ये देखिए इस प्रकार एंट्री डलती है। तो अब आपको जो मैंने बताना था इनवॉइस मोड किस तरह टैली में ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ऑप्शन को, और पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में जो ये लिखा हुआ है सिंगल एंट्री मोड किस प्रकार हम एनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्रेडिट डेबिट का कन्फ्यूजन ना हो, और आप इसी प्रकार इसको यूज करते करते आपको याद हो जाए कि क्रेडिट किसको करना है और डेबिट किसको करना है। तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था इसका आज का, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आप गूगल पे मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, AVN फास्ट करके सर्च कीजिए। यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप सीखिए, सीखते रहिए।